डीआरएल्स वगैरह इसके ऑन हो चुके हैं, एक बार चाबी मंगवाते हैं और इसके ट्राई हेडलैम्प्स भी मैं ऑन करवाता हूँ, इसके दिखाता हूँ आपको किस तरह से रहने वाले हैं। उसका डिस्प्ले देख सकते हो, 360 डिग्री कैमरा। ओके तो ये देख सकते हो, पहली बार आपने इधर जो है पूरा पियानो ब्लैक फिनिश कर दी है मारुति ने इसमें। अदरवाइज हमको यहाँ पे हमेशा सिल्वर देखने को मिला है जितने भी टॉप वेरियंट्स आते हैं। खड़ी है फ्रॉग्स, जैसे आपने ऑटो एक्सपो में देखा होगा, पर क्या है वो हाथ में आई नहीं थी गाड़ी और बड़ा रश वगैरह था। खैर रश तो यहाँ भी बहुत है देखने वालों का, तो आपको बताते हैं गाड़ी में जो है क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम फ्रंट इसकी विद की बात करें, भाई विद में जो है इसमें हमको मिल रहा है डायमेंशन 1765 mm। और बलिनो भाई इधर खड़ी है, बलिनो इसमें भाई ने छुपा के रख दी है, पर अगर हम बलिनो की बात करें तो उसमें विद थी हमारी 1745 mm, तो 20 mm का फ़र्क था, ज़्यादा डिफरेंस तो था नहीं इसमें। पर इसमें जो ये चीज़ है ना मेरे को बहुत यूनिक लग रही है, आगे की मैश है ना काफ़ी जो बड़ी कर दी है गाड़ी की, जो है ब्रॉडनेस जो है ज़्यादा लग रही है। डिफरेंस खाली 20 mm का है, बट इस चीज़ को ना स्मार्टली जो हमने देखा ना हुंडई कर रहा है, अब मारुति ने भी स्टार्ट कर दिया। इधर आते हैं तो खैर ये है अल्फा वेरियंट, सबसे ऊपर का वेरियंट है। यहाँ पर हमको मिलेंगे DRLs, ठीक है, और नीचे आते हैं तो ट्रेयो हेड लैम्प। भाई क्रेटा में हमने बहुत देख लिया ट्रेयो हेड लैम्प, अब मारुति भी उसमें आ चुका है। साइड में आते हैं तो हम इसकी अब बात करते हैं भाई गाड़ी की पूरी लेंथ की, तो लेंथ हमको गाड़ी की मिलने वाली है 3995 mm। थोड़ा साइज में जो इंक्रीज़ किया गया है भाई, अलॉयज की तरफ आते हैं तो भाई ये देख सकते हो सारा क्रोम वगैरह पूरा एसेसरीज वगैरह इसमें डाल दी गई है, क्योंकि डिस्प्ले में गाड़ी आई है अभी आई है, यहाँ पे तो आज ही आई है। और इसके अलावा व्हील्स की बात करते हैं तो अलॉयज भी हमको कुछ बलिनो से मिलते उलते लग रहे हैं, बट थोड़े से इसमें जो है चेंज किया है कंपनी ने अलॉयज, बट ओवरऑल डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा आपको करीब से दिखाते हैं भाई कहाँ इसका लिखा हुआ है अलॉयज का। इसकी बात करें तो इसमें 16 इंच के टायर आपको देखने को मिलेंगे, बाकी पूरा जो हमको ब्रीजा में देखने को मिला था पूरा एक तरह से यहाँ पूरा व्हीलास टाइप दिया गया है। और इसके अलावा एक लाइटिंग्स वगैरह आप देख सकते हैं, काफ़ी कुछ अभी अपडेट आपको मिलेगा जैसे जैसे इसका बेस वेरियंट आएगा। पीछे आते हैं तो इस तरह की कुछ इसकी लुक रहने वाली है, बहुत ही अच्छी लग रही है। ये चीज़ आपको देखा था किया में सोनेट में इस तरह की जो है लाइट जो है कंपनी ने इनोवेट की थी, बट ठीक है इसमें भी आगे। बूट स्पेस की बात करें तो इसमें हमको 308 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। बलिनो यहाँ नंबर लेके जा रहे हैं क्योंकि बलिनो में 318 लीटर का बूट स्पेस है। बाकी पीछे इस तरह की प्रोफाइल रहने वाली है, डिक्की करते हैं बंद, अभी अंदर भी लेके चलेंगे टेंशन नहीं बिल्कुल, बट बाकी पीछे से जो है ना गाड़ी का प्रेजेंस बहुत अच्छा है। थोड़ा सा इधर आते हैं तो ये तो खैर आपको दिखा दिया, साइड मिरर इंडिकेटर्स वगैरह इस तरह के रहने वाले हैं बॉडी कलर के साथ बिल्कुल सेम। ऑल दो अल्फा वेरियंट है तो इसमें सब कुछ ही आपको मिलेगा। और इधर आते हैं तो भाई ये आप देख सकते हो इस तरह से जो है DRLs वगैरह इसके ऑन हो चुके हैं, एक बार चाबी मंगवाते हैं और इसके ट्रायल हेडलैम्प्स भी मैं ऑन करवाता हूँ, इसके दिखाता हूँ आपको किस तरह से रहने वाले हैं उसका डिस्प्ले। भाई हमने ऑन किया ट्रायल हेडलैम्प्स, अगर देख सकते हो तो लो बीम में आपको नीचे दो हेडलैम्प्स मिलेंगे, ठीक है जी, और ऊपर वाला हाई बीम में ऑन होगा। LED रहने वाले हैं तीनों के तीनों, ठीक है जी। DRL भी मैंने आपको दिखा दिया, और भाई आप ये देख सकते हो इस तरह का कुछ इसका आउटपुट है, बहुत बेहतरीन। अब थोड़ा सा हाई बीम के साथ भी प्ले करते हैं, हाई बीम भी ऑन करते हैं तो तीनों लैम्प्स के ऑन हो जाएंगे। अब आप ये देख सकते हो भाई मैंने इसके जो है हेडलैम्प्स तीनों ऑन कर दिए, क्योंकि भाई ये आपको हाई बीम में मिलेगा, बाकी ये दो लो बीम में मिलेंगे, अब हाई बीम में मैंने ऑन कर दिया है। प्रेजेंस की बात करें तो इस तरह के कुछ प्रेजेंस आ रही है गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल से। आउटपुट की बात करें तो भाई ये आप देख सकते हो इस तरह का आउटपुट है, ठीक है जी। अब थोड़ा सा आपको अंदर लेके चलते हैं गाड़ी के अंदर, बाहर की प्रोफाइल तो मोटी मोटी मैंने आपको दिखा दी, के अंदर कुछ इस तरह का इसमें इंटीरियर है जो आपने विटारा में देखा होगा, प्लस पियानो फिनिशिंग वगैरह। ये सीट्स हैं इस तरह की, अंदर चलते हैं गाड़ी में, बट सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है इसकी। ओके ये ऑटोमेटिक गियर है क्या? जैसे ऑन करेंगे सुजुकी का इसमें लोगो आ गया। स्टीयरिंग आप ये देख सकते हो इसमें, मतलब ये पियानो कर दिया मतलब ब्लैक में। ओके ठीक है जी, गुड। आप देख सकते हो 360 डिग्री कैमरा। ओके जैसे ऑन करेंगे ये आएगा पूरा। हाँ जी, इसमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेसली जम्पर। ओके दूसरी चीज इसमें यहाँ पे क्रूज कंट्रोल है। हाँ जी, एंड यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल। 40 के बाद एक्टिव होता होगा क्रूज कंट्रोल ना? 60 के बाद। अच्छा 60 के बाद एक्टिव, 60 के बाद क्रूज कंट्रोल नहीं पाए। और ये यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक एसी आ जाता है। ओके क्लाइमेट कंट्रोल का, अगर फोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं इधर तो ये इधर वायरलेस चार्जर भी है। तो वो नहीं रहा, ये अभी गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी उसके लिए। ओके ओके ठीक है।
और इसके अलावा हेड्सअप डिस्प्ले आप बता रहे थे इसमें, और ये हेड्सअप डिस्प्ले भी आता है कार में, ठीक है। और यहाँ ये जैसे डोर खुला हुआ है, ये तो कार स्विफ्ट में भी आता है। हाँ जी, और ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है। ओके, और कार में ये एटी आता है जो आपका सियाज और ग्रैंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है सेम, ठीक है जी। और पीछे आपका सीट रियर एसी वेंट्स विद सी टाइप सपोर्ट आता है। ओके, अभी पीछे भी चलेंगे, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक IRVM आता है, ठीक है, जो मतलब जैसी लाइट पड़ेगी इस पे डिम हो जाएगा। ओके, और जैसी लाइट हट जाएगी तो ये वो जो पीछे से हाई बीम वाले बंदे आते हैं ना उससे वो प्रोटेक्ट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इंडिया में हाई बीम का बहुत ज्यादा बहुत बड़ा इशू है। आपकी केबिन लाइट्स हो गई, ओके सुपर, ठीक है। और एक केबिन लाइट ये हो गई यहाँ पे, ओके। और पीछे जो आपके नंबर प्लेट के बल्ब आते हैं, हाँ जी, आपके व्हाइट कलर के आते हैं। ओके, इसमें व्हाइट है, हाँ जी, ठीक है जी। आइए मैं आपको पीछे दे देता हूँ, ठीक है। ये तो काफी अच्छे लग रही है, मतलब ना, ओके, ये लाइट व्हाइट है इसमें, हाँ जी। जहाँ भी ये LEDs लगी, विद कैमरा, ये रियर कैमरा भी, ठीक है, क्लियर। वो ये बूट स्पेस हो गया, और यहाँ पे बूट लाइट भी है, ये देखिए बूट लाइट, आप अपनी स्टेपनी और सारा कुछ रख सकते हैं। ओके, अच्छा, इस पर अलग से इधर दिया गया है, नीचे की जगह इधर कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी स्टेपनी हो गई, ओके, और टूल्स वगैरह जो चाहिए होते हैं, ठीक है जी। ओके, एक बार पीछे की सीटिंग में देख लूँ मैं, फाइन मीयर कंडीशन में। रियर साइड पे आते हैं तो इस तरह की सीट्स इसकी मेरे को चौड़ी लग रही है बलिनों से। ओके, इसकी 40-60 है क्या सीट? 40-60 है, ओके, ये 60 है, ये 40 है। तो पीछे से इस तरह का कुछ इसका जो है पूरा कंसेप्ट है पूरा। एक बार इसका इंजन भी दिखा देना, टर्बो इंजन है ये, एक बार इसका इंजन दिखा देना आप। ओके, इसमें 1.2 भी तो आ रहा है ना, 1.2 नेचुरल एस्पिरेट, अच्छा नेचुरल है, ओके, तो इसका टर्बो इंजन है वैसे भी, ठीक है। छोटी विटारा, हाँ जी, ओके, बाकी अभी कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया, 11,000 बुकिंग अमाउंट देके, बाकी अभी को डिस्क्लोज नहीं प्राइस वगैरह के, कलर ऑप्शंस वगैरह रेड आ रहे हैं, वाइट आ रहे हैं, सिल्वर आ रहा है, और एक ये सिल्वर और आपका ब्राउन हो गया। ओके, ठीक है, ब्राउन वाली जो विटारा में वो पीछे खड़ी उस तरह से, ठीक है जी। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है फ्रॉक्स की जो अभी तक अवेलेबल है, इसकी भी दिखा देते हैं एक बार गाड़ी का।